IIT NCERT द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम रेडियो की कहानी। दोस्तों, मैं शरद हूं और मैं सुचित्रा हूं। आज हम आपको रेडियो के इतिहास के बारे में बता रहे हैं और ये भी बताएंगे कि आखिर काम कैसे करता है। जी हाँ, रेडियो या विद्युत चुंबकीय तरंगों से काम करने वाला संचार यंत्र, इसे लोग पहले जादुई डिब्बा भी कहते थे। इस रोचक और प्रेरणादायक कहानी की शुरुआत होती है 1865 में ब्रिटेन से। जेम्स कॉक मैक्सवेल नाम के स्कॉटिश वैज्ञानिक ने एक प्रकार की ऊर्जा के बारे में अपना एक गणितीय सिद्धांत सबके सामने प्रस्तुत किया। इस ऊर्जा का उन्होंने नाम दिया विद्युत चुंबकीय तरंग। उनका यह सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित था कि ऊर्जा हवा में प्रवाहित की जा सकती है, बेशक वो दिखाई ना पड़े। परंतु मिस्टर मैक्सवेल अपने इस सिद्धांत को प्रमाणित नहीं कर सके। दूसरे वैज्ञानिक भी शायद इसे प्रमाणित नहीं कर पाते अगर 1887 में जर्मन वैज्ञानिक हेनरिच हर्ट्ज का प्रयोग सामने न आया होता। इस प्रयोग का वास्तविक उपयोग तब हुआ जब गुग्लियेमो मार्कोनी द्वारा तरंग उत्पन्न करने वाले उपकरण में सुधार किया गया। गुग्लियेमो मार्कोनी का जन्म 25 अप्रैल 1874 को इटली के बोलोगना शहर में हुआ था। उच्छृंखल प्रवृत्ति वाले इस विद्यार्थी को स्कूली पाठों में किसी भी प्रकार की दिलचस्पी न थी, पर वो दूसरे आविष्कारकों के सिद्धांतों को आधार बनाकर नित नए नए प्रयोगों में व्यस्त रहता था। पिता को मार्कोनी की ये गतिविधियां बिल्कुल न भाती थी। एक दिन की बात है, मैं तो इस बच्चे से तंग आ गया हूं, ना पढ़ना ना लिखना, खेल खेल खेल, क्या करेगा ये? नहीं नहीं, वो सिर्फ खेलता नहीं है। क्या आपने ध्यान दिया है, कई बार उसके प्रयोग बड़े रोचक होते हैं। सिर्फ प्रयोग करने से क्या वो अपने पांव पर खड़ा हो सकता है बिना पढ़ाई के? सुनिए, मेरी भी यही चिंता है। ना जाने क्या होगा इसका। भौतिकी और विद्युत विज्ञान में उसकी बड़ी रुचि है, इसी बात पर वो अक्सर प्रयोग करता रहता है। उसके चचेरे भाई बहन तो उसके प्रयोगों से बड़े प्रभावित हैं। अरे वो सब तो ठीक है, पर न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है जी कि आगे चलकर मार्कोनी एक बहुत बड़ा आदमी बनेगा। एक सफल जीवन की खोज में मार्कोनी औपचारिक शिक्षा तो न ले पाए, पर सफलता पा लेने की दृढ़ इच्छा शक्ति के द्वारा उन्होंने रेडियो जैसा नायाब आविष्कार इस जगत के सामने प्रस्तुत किया। अपनी सफल असफल कोशिशों, सहज बुद्धि और अपने अदम्य साहस पर विश्वास के बलबूते ही वो ये करिश्मा दिखा पाया। ये 1893 की बात है। गुग्लियेमो मार्कोनी जब मात्र 20 वर्ष का था, तब उसने पहली बार बिना तार के विद्युत चुंबकीय तरंगों को 3 किलोमीटर की दूरी तक भेजने में सफलता प्राप्त की। और ये प्रयोग उसने किसी बड़ी प्रयोगशाला में नहीं, अपने घर पर ही किया। जोर से मारना। सैम, है ना? अरे इधर तो आओ। हाँ हाँ, आते हैं। सैम, है ना? क्या तुम लोग तैयार हो? हम तो तैयार हैं मार्कोनी, पर ये तो बताओ तुम करने क्या जा रहे हो?
आज मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ एक अद्भुत प्रयोग। हाँ? कैसा प्रयोग? आवाजों को बिना तार के हवा में एक जगह से दूसरी जगह तक भेजने का प्रयोग। बिना तार के? भला ये कैसे संभव है? संभव तो है भाई, संभव है। अच्छा देखो, मैं अपना ये उपकरण चालू करता हूँ। इसे कहते हैं ट्रांसमीटर। अच्छा अच्छा, अब तुम जल्दी से भागकर घर पहुँच जाओ। अच्छा। वहाँ किचन के पास वाले कमरे में मैंने रिसीवर लगा रखा है। हाँ, ठीक है। उसी के साथ एक घंटी भी लगा रखी है। अच्छा। सिग्नल पहुँचते ही घंटी बज उठेगी। अच्छा 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 अच्छा, हम जाते हैं, हम जाते हैं। फिर जाओ ना। ठीक है, अब मैं रेडियो सिग्नल भेज रहा हूँ। हाँ हाँ, भेजो। हाँ। जल्दी भेजो। अरे वाह, अरे वाह, क्या बात है! अरे ये तो जादू की तरह लगता है। वाह, क्या बात है! अरे वाह, सिग्नल मिला। हाँ हाँ, ये तो बड़ा दिलचस्प है, अद्भुत। शाबाश मार्कोनी, बधाई हो, बधाई। और उस दिन मार्कोनी ने पहले एक कमरे से दूसरे कमरे तक, फिर घर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक, और फिर घर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक बागीचे तक बिना तार इस्तेमाल किए विद्युत चुंबकीय तरंगों को भेजा। ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी। उसके प्रयोगों ने इस बात को साबित किया कि विश्व में कहीं भी एक लंबी दूरी तक बेतार के संचार माध्यम काम कर सकते हैं। सन 1896 में मार्कोनी के आविष्कार वायरलेस टेलीग्राफी को पेटेंट की मान्यता मिल गई। पेटेंट का मतलब एक ऐसी नामांकित यानी रजिस्टर्ड संख्या से है जो नए आविष्कारों और खोजों को दी जाती है। सन 1897 में मार्कोनी ने वायरलेस टेलीग्राफ और सिग्नल कंपनी की स्थापना की। इस कंपनी ने एक साल बाद सन 1898 में इंग्लैंड के चेम्सफोर्ड में संसार की पहली रेडियो फैक्ट्री खोली। फिर वर्ष 1900 में ट्यून्ड टेलीग्राफी के लिए प्रसिद्ध 7777 पेटेंट नंबर मार्कोनी ने लिया। और उन्होंने इस उपकरण का प्रयोग पहला वायरलेस संकेत कनाडा और इंग्लैंड के बीच अटलांटिक महासागर के पार यानी के 3220 किलोमीटर की दूरी तक भेजने में किया। इस प्रकार ये प्रयास इससे पहले के प्रयोग से 100 गुना अधिक दूरी तय कर सका। इससे ये सिद्ध हो गया कि रेडियो तरंगों पर पृथ्वी की वक्र आकृति का प्रभाव नहीं पड़ता। ये प्रयोग एक मील का पत्थर साबित हुआ। ये संदेश भेजे गए इंग्लैंड और कनाडा के बीच मार्कोनी के रेडियो द्वारा, जिसमें मोर्स कोड का इस्तेमाल किया गया था। ये कोड सैमुअल मोर्स की देन है, जो मार्कोनी की ही तरह कल्पनाशील व्यक्ति थे। बात 24 दिसंबर सन 1906 की है।
अमरीकी तट के नजदीक अटलांटिक महासागर में जहाजों पर रेडियो ऑपरेटर। आज बड़ी कड़ाके की ठंड है। हाँ डेविड, ठंड तो है ही, और फिर समुद्री यात्रा ना जाने कब पहुंचेंगे। मैं भी यही सोच रहा हूँ रॉबर्ट, घर में होते तो मजा आ जाता, कल क्रिसमस भी तो है ना। काश इस वक्त हम अपने परिवार के साथ होते। लेकिन ये मौसम भी तो साथ नहीं दे रहा, ये बर्फीली आंधियां और ऊपर से घने बादल। कप्तान ने कहा था कि कल हम बंदरगाह में होंगे, लेकिन अभी तक हमें जहाज को आगे बढ़ाने का सिग्नल नहीं मिला है, शायद मौसम की वजह से। रॉबर्ट, रेडियो सिग्नल को लगातार सुनते रहो, शायद आगे बढ़ने का सिग्नल मिल जाए। देखता हूँ। ऐसा करो रॉबर्ट, दूसरी फ्रीक्वेंसी पर देखो। ये क्या? ये क्या? ये मुझे क्या सुनाई पड़ रहा है? ये तो क्रिसमस कैरोल है। अद्भुत, अति सुंदर। For God so loved the world that he sent his only begotten son. I wish you a merry Christmas. अरे वाह, अरे वाह, वाह! रेडियो पर आदमी की आवाज, अद्भुत, सचमुच अद्भुत। वाह, क्या बात है। वाह, पहली बार सुना है ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल। ये आवाज कनाडा के रेगिनाल्ड फेसेंडन की थी। ये पहला अवसर था जब रेडियो पर मानवीय आवाज सुनाई पड़ी, और इस तरह मानवता को मिला क्रिसमस की पूर्व संध्या पर विज्ञान का एक अनमोल उपहार। इसमें सिर्फ कुछ वाक्य, एक गीत और वायलिन का संगीत था। बहुत जल्दी ही लोगों ने मार्कोनी की कंपनी द्वारा बनाए गए इस उपकरण के माध्यम से लंबी लंबी दूरियों के पार भी संदेश भेजना और ग्रहण करना शुरू कर दिया। मार्कोनी के इस आविष्कार से पहले जहाज यात्रियों के लिए बंदरगाह पर पहुंचने से पहले किसी भी प्रकार का संदेश संचार संभव न था। सन 1912 अप्रैल रविवार का दिन था। टाइटैनिक विश्व का सबसे बड़ा यात्री जहाज एक भीषण हादसे में बर्फ की शिला से टकराकर डूब गया। इन दावों के बावजूद कि यह जहाज डूब नहीं सकता, किसी चीज से शायद बर्फ की शिला से टकराया है। अरे भागो भागो, बाहर निकलो, भागो डैम की ओर भागो। ये क्या हो रहा है? यार पूरी तरह हिल रहा है। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। ओह माय गॉड, ये क्या हो रहा है?
जहाज बुरी तरह हिल रहा है। अरे झटपट कितनी बड़ी घटना घट गई है। अरे बचाओ, अरे तो पानी भर गया। जहाज की स्पीड कम करो। ऑपरेट द बैक प्रोपेलर। जहाज को पीछे करो एंड कॉल द रेडियो ऑपरेटर चेक एंड हेराइड। यस यस कैप्टन स्मिथ, यस। ऑपरेटर जैक, इमरजेंसी मैसेज भेजो। सेव टाइटैनिक, निकलो। शिप लोकेशन 40 डिग्री नॉर्थ एंड 25 डिग्री साउथ। आई रिपीट, 40 डिग्री नॉर्थ एंड 25 डिग्री साउथ। और हेल्प, लाइफ सेवर भेजो। सेंड जनरल कॉल डिस्ट्रेस। जल्दी जल्दी करो। जीवन रक्षक नाव के नीचे उतारो। लाइफ बोट उतारो। लाइफ बोट को नीचे उतारो। सर, सर मैसेज मिला है कि कुछ जहाज बचाव के लिए आ रहे हैं। Gentlemen, it has been a privilege playing with you tonight. क्या आपको पता है, टाइटैनिक के कप्तान स्मिथ ने मार्कोनी कंपनी को मॉर्स कोड पर क्या संदेश भेजा था? संदेश था, He loves to run us. Titanic sinking. Help, help. जो मार्कोनी के रेडियो पर इस प्रकार सुनाई पड़ा था। वायरलेस ऑपरेटर जैक फिलिप्स और हेरल्ड को मार्कोनी टेलीग्राफ कंपनी ने टाइटैनिक जहाज पर संदेश भेजने और लेने के लिए नियुक्त किया था। कैसी विडंबना है, जैक फिलिप्स, जिसकी उम्र 28 साल थी, टाइटैनिक जहाज के साथ ही डूब गया, और हेरल्ड ब्राइट, जिसकी उम्र 22 साल थी, बच गया। बाद में इस हादसे में बचे एक यात्री ने भी ये बताया कि रेडियो ऑपरेटर ने मार्कोनी कंपनी और नजदीक के जहाजों को मदद के लिए किस प्रकार टेलीग्राफिक संदेश को भेजा। इस बात का पूरा पूरा श्रेय रेडियो को ही जाता है। इसके कारण ही 2207 में से 705 जहाज यात्रियों को महासागर में मृत्यु का ग्रास बनने से बचाया जा सका। यानी जिन लोगों को बचाया जा सका, उसका पूरा श्रेय केवल एक व्यक्ति, श्री मार्कोनी और उनके अद्भुत आविष्कार को जाता है। साथियों, रेडियो की यात्रा जारी रही। समय के साथ साथ उसकी उपयोगिता और प्रभाव बढ़ते ही गए। 1909 में मार्कोनी और फर्डिनेंड ब्रायन दोनों को संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार मिला। पर मार्कोनी द्वारा नोबेल पुरस्कार लेने की बात ही कुछ और है। स्वयं उनके अनुसार वे ना कोई वैज्ञानिक थे और ना ही कोई आविष्कारक, पर वे बहुत ही विलक्षण थे। Congratulations, Mr. Marconi. You are really wonderful. And so is your amazing invention. Congratulations to you. धन्यवाद ऐसे नायाब आविष्कार के लिए। आपने तो कमाल ही कर दिया। कितना अद्भुत है आपका रेडियो। वाह 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 वाह। सच में कमाल है। बिना तार का ये काम करने वाला रेडियो। विश्वास नहीं होता। मिस्टर मार्कोनी जी, अच्छा ये बताइए, ये आविष्कार करने के बाद आपको कैसा लग रहा है? जी, मैं बहुत अच्छा और गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। गुड गुड। सर्वशक्तिमान ईश्वर की कृपा से मैं एक ऐसा उपकरण तैयार कर सका हूँ जो पूरे विश्व में
मेल मिलाप की भावना विकसित कर पाएगा। जुलाई 1937 को रोम में उनकी मृत्यु हुई। मार्कोनी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए विश्व भर के सभी रेडियो स्टेशनों ने 2 मिनट का मौन रखा। आज भी विश्व उनके अनूठे योगदान रेडियो को आभार सहित याद करता है। तब से अब तक रेडियो में बहुत उतार चढ़ाव आए हैं। आज भी बहुत सारे संचार माध्यमों के होते हुए भी इस नायाब जादुई डिब्बे का आकर्षण समय के साथ कुछ कम नहीं हुआ है। रेडियो का आकर्षण कभी खोया नहीं। इसका मोह लोगों में फिर से जाग उठा है। रेडियो की कहानी। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विषय संयोजन एवं मूल आलेख डॉक्टर जितेंद्र सिंह, अनुवाद डॉक्टर शारदा कुमारी, कलाकार सुचित्रा गुप्ता, शरद तिवारी, दिनेश वर्मा, गीता वर्मा, कीमती आनंद, राजेश आहुजा, आकाश रसज्ञ और हन्ना। तकनीकी निर्देशन सतीश लाडे, ध्वन्यांकन दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो।